अच्छा, जी। आज आपको नहीं पता क्या है? नहीं, मैंने नहीं बताया वहाँ। नहीं बताया अभी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम कर रहे हैं जल्दी स्टार्ट क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है और अभी नहीं बताऊँगी मैं आप लोगों को, बाद में बताऊँगी। थोड़ा इंतज़ार करें, सफ़र करें, थोड़ा आगे जाके देखें। उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और फिर आपको पता लगेगा कि आज क्या दिन है और आज क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी खुशी भी है, थोड़ी थोड़ी सैडनेस भी है, तो वो आपको पता लगेगा अभी आगे वाले ब्लॉग में जाके। तो अभी करते हैं नाश्ते का, टाइम हो गया है और नाश्ते में क्या है हम देखते हैं। नाश्ते में है आज कुलचे एंड निहारी, ज़बरदस्ती चेक करें भाई, लवाजमात के साथ गरम गरम कुलचे एंड निहारी हम खाने लगे हैं। नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, उससे थोड़ा से टाइम बाद बताऊंगी और उसको फिर हम जो है वो डिस्क्लोज करेंगे कि आज क्या दिन है आखिर। तो आप लोग सोच तो रहे होंगे, थोड़ा सोचें, थोड़ा इंतज़ार करें। सो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा और खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह हमने सब ने कर लिया था, फारिग हो गए थे, बड़े मज़े के निहारी थी और कुलचे, बहुत ही आज तो ज़बरदस्त सा नाश्ता हो गया। तो अब हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार शहर होना है, ने हाथ धो लिए हैं और अब हमने रेडी शेडी होना है और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो अम्मी से पूछते हैं कि आज अम्मी जो है वो क्या बना रही हैं। अम्मी आज धुआं निकल रहा है डेगची में से, क्या बन रहा है आज? आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, चिकन कढ़ाई, लजीज चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है और बिरयानी शिरयानी भी बन रही है ना अम्मी? हाँ जी, बिरयानी बन रही है और अभी क्योंकि चूल्हा हमारे पास एक ही है, गैस नहीं आती, बर्तन है, तो इसलिए पहले मैं कढ़ाई तैयार करी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फिर बिरयानी बनाऊंगी। सही है, सही है। तो बस यहाँ पे बन रहा है चिकन कढ़ाई बिरयानी, उसके बाद जो है फिर अम्मी जो है वो अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगी और कुछ मेहमानों का हम वेट कर रहे हैं, तो बस वो उनके आने से पहले पहले जो है हम लोग रेडी हो जाएं और क्या कहते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, सीन कुछ यूँ है कि कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए हैं, अब होगी मगरिब की अज़ान, मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद जो है अच्छा सा तैयार शहर होकर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने आज कैसी ड्रेसिंग की है, किस ब्रांड की है और हल्का सा बस हम सॉफ्ट सी लुक देंगे। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो देखिए मैंने आज पहना है बीच के का सूट, देखिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये इसकी शॉल है, शॉल है इसकी, रस्ट कलर का इसका कलर है और मेहरून कलर की इसकी शॉल है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वगैरह सारा। गाइस, जिस गेस्ट की बात करी थी वो लोग ये हैं, आप लोग मेरे इन लॉज से मिल चुके होंगे, तो बताएं मिसबा जी आप लोग जो है वो आज क्यों आए हैं? आज आपको नहीं पता क्या है? नहीं, मैंने नहीं बताया वहाँ। नहीं बताया अभी तक? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया, तो ये तो सबके लिए सरप्राइज है। हाँ जी, आज है 18th December और आज वकास और अनम की शादी की सालगिरह है। बिल्कुल, तो ये था आज का सरप्राइज कि आज है हमारी शादी की सालगिरह। मैंने बताया था ना आज थोड़ी थोड़ी खुशी भी और गम भी है, बिकॉज गम इसलिए कि वकास नहीं है और खुशी इसलिए कि आज हमारी पांचवी माशाल्लाह से फिफ्थ जो है वो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम लोग वकास के बगैर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन उनको भी महसूस हो रही थी, बल्कि हम लोग आ भी रहे थे तो हम लगा कि जैसे हम वकास के बगैर। हाँ जी, तो ये था आज का सरप्राइज, तो अब हम लोग जो है वो आज शाम जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं। अभी आप क्या कर रही हैं? आपने क्या बनाया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्या बनाया ना? आप भी अच्छा, आमना आप दिखाओ मामी को। आमना, आप क्या बना रही हो?
वाओ इतना प्यारा। आज सब इतना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा तैयार होकर आए हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। फाइनल भी है। हाँ जी आज तो फाइनल भी है। किस किस को फाइनल में ज्यादा इंटरेस्ट है? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान है। समीर पाकिस्तान भी खेल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसका मतलब समीर आपको नॉलेज नहीं है। समीर बताएं ना आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अर्जेंटीना। और आयान आप भी अर्जेंटीना। और मिसबा जी आप? वही मेसी। अच्छा जी ये लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें है मेसी। तो देखते हैं आज कौन जीता, अर्जेंटीना और दूसरी कौन सी है? फ्रांस है। मैंने देखा ही नहीं इसलिए मुझे पता ही नहीं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं देखती हूँ और ना ये देखती हैं। अब बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट है क्या कौन कौन जो है वो खेल रहा है? था कि मेसी किस टीम में है। अच्छा अच्छा मैं बताती हूँ, वसीम भाई भी देखेंगे ना। आज देखते हैं कौन जीतता है, अर्जेंटीना या फ्रांस। सो गाइस आज मेरी अम्मी आई है, बकास नहीं है, केक लेकर आई है और हमारी जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई है। तो आज जो है ना हम बकास को बहुत मिस कर रहे हैं और बस पिछले साल जो है वो मैं आते हुए यही सोची थी हम कितने अफरा था ना। आज जो है बरात का दिन है, बरात का दिन था, कल के दिन माशाल्लाह से कल मेहंदी थी और आज बरात और कल ही कोई गैप नहीं था हमारी शादी का। पता ही नहीं चला ना, टाइम बहुत जल्दी है। हम लोग भी सोचते हैं 5 साल गुजर गए, टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा। तो पिछले साल याद है मिसबा जी, वकास इधर थे पाकिस्तान में और मैं वहाँ थी। इस दफा मैं यहाँ पे हूँ और वकास वहाँ पर है। आप वहाँ पर हो तो मैं बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं और हमारे साथ सेलिब्रेट करें, बड़ी खुशी होती है। हमेशा इसी तरह अगली हम सारे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर बर्थडे ईद वगैरह पे हम यही सोचते हैं कि शायद कोई एक ऐसी हो जो सारे इकट्ठे हो जाए इंशाल्लाह। आज बकास हम सबको बहुत मिस करेंगे। हाँ उनको भी लेते हैं, हम लोग कॉल पे लेते हैं और फिर बात करवाते हैं। आ जाए खाने के लिए, सारे आ जाए खाने के लिए। खाने में है जी बिरयानी एंड चिकन कढ़ाई। चलो जी सब ठंडा हो जाएगा, फटाफट से आ जाएं सारे। चलो आ जाओ मिसबा जी, चलो हैप्पी एनिवर्सरी, से हाय से हाय। अकेले आप उधर मना रहे हो, हम इधर मना रहे हैं सारे और आप उधर मना रहे हो। अच्छा अच्छा जी 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 जी। रुलाएगी पगली। चलो 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 जी ये देखो जी, हैप्पी फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी। ड्रॉ ये लो कर लो, दोबारा कर लो। चलो भाई बाबा ये देखिए क्या कर रही है, ये देखो ये क्या कर रही है। अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स जो है वो बच्चों ने उधम मचाया।
पहले हमने कहा उदी खोल ले तो हम लोग गिफ्ट खोलने लगे और फबिया हवा लगी है खोलने में दरवाजा फबिया खोल लेना अपना पहले आज जी पहले फबिया खोल हां चलो ये हम ना हां ठीक है ये आपका है ओके अभी ये देखिए जी फबिया का गिफ्ट क्या है के तो पूरा फुल ड्रेस आ गया थैंक यू बोलो अरे आपको अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू बोलो अच्छा जी अब सेकंड गिफ्ट खोलते हैं हां ये भी लाइम लाइट का है लाइम लाइट की कलेक्शन अच्छी आई हुई है इसके बाजू देखें बाजू कितने प्यारे हैं ये कौन से वो होती है प्रिंटिंग होती है ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारा है कॉम्बिनेशन और ये इसका ट्राउजर है नहीं शलवार है ये शलवार है इसकी शलवार के पैंचों पे भी देख सकते हैं आप बहुत प्यारा सा वो ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और ये इसका स्टोल बहुत प्यार है थैंक यू सो मच मम्मी एंड मिस बाजी हाँ बहुत खूबसूरत है दोनों बहुत प्यार है ये भी सर्दियों वाला है ये सर्दियों ये है स्टाइलो के शूज लग रहे हैं मुझे है नाया आप क्या कह रही थी नाया बताएगी इसमें क्या है नाया शूज है थैंक यू सो मच अम्मी गिफ्ट्स के लिए हाँ बहुत बहुत प्यारे सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं मिसबा जी थैंक यू सो मच गिफ्ट्स के लिए बहुत प्यारे गिफ्ट हैं हाँ जी सर्दियों की शॉपिंग मैंने नहीं की थी तो मेरे सर्दियों का सामान आ गया तो आराम से हम लोग बस मिलेंगे पहनेंगे एंजॉय करेंगे और जी आखिरी आखिरी मैच का चल रहा है देखें जी कौन जीतेगा अर्जेंटीना या फ्रांस सारे टेंशन में बैठे हैं कौन जीतेगा आज कौन जीतने वाला है अर्जेंटीना जो है वो बहुत ही कमाल खेल रहा है और अब पांच पांच दोनों को मिले देखें सब कौन जीतता है दोबारा मिस हो गया इनका क्या लगता है मिसबा जी आपको कौन जीतेगा अर्जेंटीना अर्जेंटीना और आपको क्या लगता है अम्मी अर्जेंटीना अम्मी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा फ्रांस मुझे पता है अम्मी फ्रांस बोलेगी तो अर्जेंटीना जीतेगा एंड फाइनली अर्जेंटीना जीत गया जो हम सब ने बोला था अम्मी ने तो बोला था फ्रांस तो गलती से निकल गया हाँ हाँ मुझे पता है आपका जाने का दिल कर रहा होगा ना चले अच्छा अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज़
ये पहन के अल्लाह हाफिज करो। ओके मम्मी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। हम इंशाल्लाह। ओके समीर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आमना, बाय बाय। बाय आमना, बाय करो। चलो जी बाय बाय कर दो मम्मी को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, मेरा बच्चा। आपने भी कर ली क्या? ओके आंटी, अभी आप तो बीच में चलो। अल्लाह हाफिज, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, मेरी जान बहुत मजा आया, एंजॉय किया। ओके यान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो गाइस, फाइनली आज का दिन होता है यहाँ पे ख़त्म। हमारा जो है आज स्पेशल डे 18th of December, आज के दिन मेरी बारात थी। और जब मतलब के जब आपकी ऐसी एनिवर्सरी आती है तो आपके ना वो पिछला सारा जो है ना माइंड में रिमाइंड हो रहा होता है, सारी आपको चीज़ें याद आ रही होती है। अच्छा इस टाइम ये हो रहा था, वो हो रहा था, आना ये चीज़ें सारी आपके दिमाग में चल रही होती है ना। तो खैर आज बहुत मज़ा आया, हमने वकास को बहुत ज़्यादा मिस किया, उनको कॉल पर लिया था हमने और केक कट करते हुए। तो मेरे लॉस आए थे, उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छे सेलिब्रेशन की और काफ़ी उन्होंने भी इंजॉय किया और बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए थे और मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसी तरह जो है बस अब देखें, पिछले साल वकास जो है वो पाकिस्तान में थे और मैं दुबई में थी, इस साल मैं पाकिस्तान में हूँ और वकास दुबई में है। तो वो देखेंगे मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हम कितना मिस कर रहे हैं। माशाल्लाह से 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को, तो इंशाल्लाह होप्स हो के नेक्स्ट ईयर की जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो हम दोनों साथ मनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी जो है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिए करें। मैं अपने व्लॉग के हर एंड में कहती हूँ ठोको ठोको ठोको, लाइक ज़रूर ठोको। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़।